हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और एक फोटो आजकल काफी वायरल हो रही है और ये काफी एजेंट के स्टेटस पर भी है और काफी लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LIC के चेयरमैन जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर को एक चेक दे रहे हैं जिसका अमाउंट है लगभग 2241 करोड़ के आसपास। यहाँ पर आप चेक की रकम देख सकते हैं दोस्तों। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्यों दिया जा रहा है, तो दोस्तों ये है लाभांश, इसको डिविडेंड भी कह सकते हैं आप। और ये LIC लगभग 1956 के बाद से गवर्नमेंट को दे रही है और इसका जो परसेंटेज है लगभग वो 5% आता है। और ये पूरे साल भर की इनकम जो भी LIC की होती है अपने शेयर होल्डरों को देती है, साथ में ये लाभांश के रूप में गवर्नमेंट को भी देती है। जो कि अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें 1956 से पहले, यानी अगर हम आजादी से पहले की बात करें, तो दोस्तों हमारे देश में जो कंपनी थी वो लगभग 245 कंपनियां थी लाइफ इंश्योरेंस की, और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंपनियां थी वो 245 थी जो कि अपनी मनमानी के साथ काम कर रही थी। दोस्तों ये जो अगर हम इतिहास की बात करें कि इंश्योरेंस कितना पुराना है, तो इंश्योरेंस काफी पुराना है दोस्तों। और इंडिया में अगर हम बात करें तो 1818 के आसपास अंग्रेज अपनी कंपनी को लेकर के आए थे इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उस कंपनी का नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि विदेशी कंपनी थी। और वो अपने जो विदेश से यहाँ पर आए हुए लोग थे उनके लिए ही थी, और कुछ एफर्ट करने के बाद हिंदुस्तानियों को भी वो इंश्योरेंस देते थे। बट इंश्योरेंस की जो प्रीमियम थी वो काफी हाई लेते थे अंग्रेजों की अपेक्षा। तो फिर धीरे धीरे करके हिंदुस्तानियों ने अपनी कंपनियां बनाना शुरू किया और इस तरीके से विस्तार हुआ कंपनियों का। और लगभग 245 कंपनियां आजादी के पहले तक भारत में थी, और 1956 के आसपास इसको गठन किया गया। एक कंपनी बनाई गई लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जिसको हम LIC के नाम से जानते हैं, और गवर्नमेंट ने उसमें 5 करोड़ रुपए दिए उनको गठन करने के लिए। तो दोस्तों ये वही 5 करोड़ रुपए हैं जो आज भी 5% का लाभांश यानी डिविडेंड अपनी इनकम पे LIC देती है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि हर साल हजारों करोड़ रुपए LIC लाभांश के रूप में इनको दे रही है, उस 5 करोड़ की एवेज में गवर्नमेंट को। तो दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है LIC, और वो इतना डिविडेंड यहां पर दे रही है अपना लाभांश 5% पॉलिसी होल्डर को, तो वो देती ही है, साथ में गवर्नमेंट को भी 5% लाभांश दे रही है उस 5 करोड़ के एवज में। तो दोस्तों ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 1956 से लेकर के अभी तक चलें तो इस साल जो दिया गया है वो फोटो आपके सामने है। तो इस तरीके से काम करती है LIC, और दोस्तों इसीलिए LIC पर विश्वास करते हैं भारतीय लोग, और सबसे बड़ी कंपनी है। आप ये जरूर जान लीजिए कि इसके जो भी पॉलिसी होल्डर हैं, जिन्होंने भी पॉलिसी ले रखी है, उनका पैसा कभी नहीं डूबने वाला, क्योंकि 100% गारंटी गवर्नमेंट देती है एक LIC ऑफ इंडिया को और एक पोस्ट ऑफिस को। तो दोस्तों अगर आपने LIC में इन्वेस्ट कर रखा है, LIC में आपने पॉलिसी ले रखी है, तो आपकी पैसे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। भले ही आपको बाजार से 1% 2% कम रिटर्न मिले, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है, कोई पैसा आपका डूबेगा नहीं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर आपने शेयर मार्केट में पॉलिसी ले रखी है LIC की, यूलिप, या फिर आपने यहां पर ले रखी है जो एंडोमेंट प्लान होते हैं। तो दोस्तों LIC में इन्वेस्ट करना पूरी तरीके से सेफ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।